Hello students, welcome back to the YouTube channel of NEEF Competitive Classes. And इस lesson में हम बात करेंगे inorganic के chapter की. सबसे पहला chapter of inorganic is S block. So इस lesson में हम बात करेंगे about the S block. S block क्या है, क्यों है, क्या properties हैं S block की, क्या elements हैं S block की, ये सब चीज़ें देखेंगे हम detail में with properties. जैसे कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़, लाइक केमिकल प्रॉपर्टीज़, ये सब हम कवर करेंगे इस लेसन में. सो स्टार्ट करते हैं विद एस ब्लॉक. एस ब्लॉक को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगी अबाउट द पीरियोडिक टेबल. जैसा कि हमें पता है इन पीरियोडिक टेबल वी हैव फोर ब्लॉक्स, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक. सो ये चार ब्लॉक्स हमारे पास हैं, दैट इज एस, पी, डी एंड एफ इन अ पीरियोडिक टेबल. हर एक ब्लॉक में डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स रखे गए हैं, राइट. डिफरेंट एलिमेंट्स हैं एस ब्लॉक में, डिफरेंट एलिमेंट्स हैं पी ब्लॉक में, डिफरेंट है डी में, एंड उसी तरह से एफ ब्लॉक के अपने एलिमेंट्स हैं. अब अगर हम बात करें सिर्फ एस ब्लॉक की, एस ब्लॉक जो है दैट इज डिवाइडेड इंटू टू ग्रुप्स, राइट. ग्रुप वन एंड ग्रुप टू. एस ब्लॉक में हमने क्या क्या बोला कि एस ब्लॉक इज डिवाइडेड इंटू टू ग्रुप्स. नाउ अगर हम बात करें पी ब्लॉक की, पी ब्लॉक डिवाइडेड है छः ग्रुप्स में. डी ब्लॉक डिवाइड किया गया है इन 10 ग्रुप्स एंड एफ ब्लॉक इज डिवाइडेड इंटू 14 ग्रुप्स, राइट. सो एस ब्लॉक इंटू पी इन 6, डी इन 10, एफ इन 14. अब बेसिकली हमने ये जो डिविजन्स देखा एलिमेंट्स के या ग्रुप्स की, कि एस ब्लॉक में दो ही ग्रुप हैं, पी ब्लॉक में छः ही ग्रुप हैं, डी में 10 है, एफ में 14 है. बेसिकली ये जो हम ग्रुप्स की बात कर रहे हैं, ग्रुप्स हैं क्या, क्या चीज़ हम बोल रहे हैं कि एस ब्लॉक में दो ग्रुप्स हैं. ग्रुप्स में हमें पता है डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स आर कंटेंट, तो दो ही ग्रुप्स क्यों है एस ब्लॉक में, उस चीज़ से हम स्टार्ट करेंगे. तो मैं सबसे पहले बात करूंगी अबाउट द बेसिक आइडिया ऑफ एस ब्लॉक, कि एस ब्लॉक की अगर हम बात कर रहे हैं उसमें अगर दो ग्रुप्स हैं तो दो ही ग्रुप्स क्यों माने गए हैं एस ब्लॉक में, उससे हम स्टार्ट करेंगे. अब देखो ग्रुप्स की डिवीजन पढ़ने से पहले हमें एटम की डिवीजन आना इज़ इम्पॉर्टेंट, या एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना इज़ इम्पॉर्टेंट. हमें अगर एक एटम के स्ट्रक्चर को देखना है तो वी ऑल नो दैट एक एटम में क्या प्रेजेंट है. अगर सिर्फ हम एक एटम की बात करें, एक एटम किस में डिवाइडेड है, इट इज़ डिवाइडेड इंटू शेल्स, राइट. एंड फर्दर शेल्स जो है दैट इज डिवाइडेड इंटू सब शेल्स, राइट. देन सब शेल्स जो हैं दे आर फर्दर डिवाइडेड इंटू ऑर्बिटल्स, राइट. अब यहाँ पे जिसमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार, दैट इज द टर्म ऑर्बिटल एंड ऑर्बिट. ये दो डिफरेंट टर्म्स हैं स्टूडेंट्स, डोंट गेट कन्फ्यूज इन दीज टू टर्म्स. ऑर्बिट जो है, ऑर्बिट इज अनदर नेम ऑफ शेल्स. शेल्स को ही हम ऑर्बिट बोलते हैं, एंड ये जो टर्म है ऑर्बिटल्स, ये ऑर्बिट नहीं है. ऑर्बिटल्स किसके डिविजन्स है, सब शेल की फर्दर डिविजन्स. सो वी कैन नॉट से कि ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल्स दे बोथ आर नॉट सेम. दोनों का अपना मीनिंग है, दोनों सेपरेटेड हैं एक दूसरे से. ऑर्बिट्स का क्या मतलब है, ऑर्बिट मीन्स शेल, एंड ऑर्बिटल्स का क्या मतलब है, दे आर द सब डिविजन्स ऑफ सब शेल. अब इस चीज़ को अगर हम एक सिंपल तरीके से याद रखना चाहें तो वी कैन से वी हैव एटम. एटम को हमने किस में डिवाइड किया, इंटू शेल्स, राइट. शेल्स को हमने किस में डिवाइड किया, इंटू सब शेल्स. सब शेल्स को हमने किस में डिवाइड किया, इंटू
ऑर्बिटल्स. सो बेसिकली एक एटम जो है दैट इज डिवाइडेड इनटू फोर डिफरेंट कैटेगरीज. एक एटम जो है दैट इज डिविजिबल एंड इट इज डिविजिबल इनटू फोर डिफरेंट कैटेगरीज. एक एटम के अंदर वी हैव शेल, शेल के अंदर वी हैव डिफरेंट सब शेल्स एंड सब शेल्स के अंदर वी हैव ऑर्बिटल्स. अब इसको आप याद रखने के लिए क्या कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम सिंपल अपने घर की बात करें, घर को अगर हम रिलेट करें अपने एटम से, एटम क्या है, हमारा पूरा घर, राइट. अब शेल्स को हम कैसे रिलेट कर सकते हैं, शेल्स मीन्स वी कैन से रूम्स. घर के अंदर वी हैव डिफरेंट रूम्स, तो इसी तरह से वी कैन से कि एटम जो है, एटम को हमने डिवाइड किया शेल्स में. उसी तरह से जैसे हम बोल रहे हैं कि घर है, घर के अंदर वी हैव डिफरेंट रूम्स, ठीक. तो अब सेकेंड रूम्स के अंदर अगर हम बात करें, सपोज आपका रूम, ठीक है, घर है आपके पास, घर में यू हैव डिफरेंट रूम्स, आपका अपना रूम खुद का, उसको हम बोलेंगे सब शेल. दिस इज आवर रूम, राइट. हमारे रूम में अब हमने क्या लगा रखा है, अलमीराज लगा रखी है, तो उन अलमीराज को वी कैन से ऑर्बिटल्स. ठीक, इस चीज को सिंपल तरीके से समझो कि हमारा घर है, घर इज लाइक एटम, देन हमारे घर में डिफरेंट डिफरेंट रूम्स हैं, रूम्स आर लाइक शेल्स, एंड डिफरेंट डिफरेंट रूम्स में से अगर हम सिर्फ अपना रूम उठा के देखें, दैट इज सब शेल. सब शेल में जो हमारा सामान रखने के लिए अलमीरा प्रेजेंट है, उसको हम रिलेट कर सकते हैं किससे, ऑर्बिटल से. अब सपोज अलमीरा के अंदर क्या प्रेजेंट है, कपड़े, बुक्स, व्हाटएवर जो भी आपने रखा है, उसको वी कैन रिलेट किसके साथ, ऑर्बिटल्स तो है हमारा अलमीरा. देन ऑर्बिटल्स के अंदर क्या प्रेजेंट है, देयर आर प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स, एंड इन इलेक्ट्रॉन्स को यू कैन रिलेट विद बुक्स और क्लोथ्स, राइट. सो कैसे हमने कैटेगराइज किया इसको, एटम के अंदर वी हैव शेल, शेल के अंदर वी हैव सब शेल, सब शेल के अंदर वी हैव ऑर्बिटल्स, एंड ऑर्बिटल्स के अंदर आर प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स. सो बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट प्रेजेंट इन द शेल. इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे प्रेजेंट है, दे आर एक्चुअली प्रेजेंट इन द ऑर्बिटल्स. इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट, जनरली हम जनरल स्टेटमेंट क्या देते हैं, दैट इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन अ शेल, राइट. कि शेल में या एक किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं दे आर मूविंग. बट इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली हम कहाँ पे, इसके अगर डिविजन्स देखें तो इलेक्ट्रॉन्स आर बेसिकली प्रेजेंट इन ऑर्बिटल्स. इसको आप ऐसे याद रख लो कि हमारा घर, घर के अंदर डिफरेंट रूम्स, डिफरेंट रूम्स में हमारा खुद का रूम, एंड हमारे खुद के रूम में जो अलमीरा प्रेजेंट है उसके अंदर है किताबें. उसी तरह से घर मतलब एटम, देन रूम्स मतलब हमारा शेल्स या सब शेल्स को हमने रिलेट किया हमारे खुद के रूम के साथ, देन ऑर्बिटल्स को हमने रिलेट किया हमारी अलमीरा के साथ, एंड इलेक्ट्रॉन्स को हमने रिलेट किया बुक्स के साथ. तो ये सिंपल तरीका है जिसको यूज़ करके आप ये चीज़ याद रख सकते हो कि किस चीज़ के अंदर क्या चीज़ प्रेजेंट है, राइट. नाउ आगे अगर हम मूव करें इसी में, यहाँ पे स्टूडेंट डोंट गेट कन्फ्यूज्ड, ऑर्बिट मतलब शेल, ऑर्बिटल मतलब सब शेल का फर्दर डिविजन. अब इसी चीज़ का थोड़ा और इसकी डिटेल में देखते हैं इसको. हमने जैसे बोला एक एटम है, एटम्स में वी हैव डिफरेंट शेल्स, राइट, शेल्स या ऑर्बिट्स कुछ भी. अब शेल्स को हमने किस में डिवाइड किया, सब शेल्स में, एंड सब शेल्स हमारे पास कितने टाइप के हैं, दिस इज एस पी डी एंड एफ, राइट. सब शेल्स हमारे पास चार डिफरेंट तरह के सब शेल्स हैं, एस सब शेल, पी सब शेल, डी सब शेल एंड एफ सब शेल. अब ये जो एस पी और डी और एफ सब शेल है, इसको फर्दर हमने किस में डिवाइड किया, ऑर्बिटल्स में. तो दैट मीन्स हर एक सब शेल का डिफरेंट डिफरेंट क्या है, ऑर्बिटल. अब इस केस में ऑर्बिटल्स की अगर बात करें हम, एस के केस में वी हैव वन ऑर्बिटल, राइट, एंड फॉर पी वी हैव थ्री ऑर्बिटल्स, एंड फॉर डी वी हैव फाइव ऑर्बिटल्स, एंड फॉर एस वी हैव सेवन ऑर्बिटल्स, राइट.
s block sorry s subshell जो है that is divided into एक orbital. मतलब s subshell हमारे पास था, उसको अगर हमने और इसकी categorization की तो उसमें s जो है that is divided into one orbital. And p में कितने orbital दिखे हमें? 3. d में 5. f में 7. अब ये जो orbital हमारे पास present है different different subshells के, इसके अंदर क्या present है? Electrons. And यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है that एक ऑर्बिटल में वी हैव टू इलेक्ट्रॉन्स. एक ऑर्बिटल में अगर दो इलेक्ट्रॉन्स हैं तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि किस सबशेल के किस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट? अब वो चीज़ देखते हैं. हमने क्या बोला? दैट एस सबशेल इज डिवाइडेड इनटू वन ऑर्बिटल, p subshell is divided into 3 orbital, d subshell is divided into 5 and f is divided into 7. तो ये अगर categories हमने बना दी हैं and हमें पता है that एक orbital में we have टू इलेक्ट्रॉन्स. तो अगर s के पास एक ही ऑर्बिटल है तो उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? ऑब्वियसली इट इज 2. s हैज 2 इलेक्ट्रॉन्स, राइट? p में अगर 3 ऑर्बिटल्स हैं तो p में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? देखो, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, अगर एक में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 3 में कितने होंगे? 3 इंटू 2 दिस इज 6 इलेक्ट्रॉन्स. एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, 3 ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन्स. उसी तरह से d की अगर बात करें, अगेन वी कैन से कि अगर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो अगेन यहाँ पे वी हैव 5. 5 ऑर्बिटल में विल बी हैविंग 5 इंटू 2 दैट इज 10 इलेक्ट्रॉन्स. इसमें अगर 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कैसे आए? क्योंकि एक ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन्स, 5 ऑर्बिटल 10 इलेक्ट्रॉन्स. आगे f की अगर हम बात करें, f में अगेन अगर एक में वी हैव 2 इलेक्ट्रॉन तो f में कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स? 7. तो अगर 7 हमारे पास हैं तो 7 इंटू 2 विल बी 14 इलेक्ट्रॉन्स, राइट? अब यहाँ से वी कैन कैलकुलेट कि किस सबशेल के किस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट? सो वी कैन से दैट s सबशेल की अगर बात करें तो s सबशेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स. p सबशेल की बात करें, p सबशेल हैज 6 इलेक्ट्रॉन्स. डी सबशेल की बात करें तो डी सबशेल हैज 10 इलेक्ट्रॉन्स. एफ की बात करें तो एफ में वी हैव 14 इलेक्ट्रॉन्स, राइट? सो यहाँ से हम लिख सकते हैं इसमें कि एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स, पी में 6 इलेक्ट्रॉन्स, डी में 10 इलेक्ट्रॉन्स, एफ में 14 इलेक्ट्रॉन्स. अब यहाँ से ही हमने कैटेगरीज बनाई हैं पीरियोडिक टेबल की. अब देखो, यहाँ पे हमें पता है दैट s जो है, s के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं. सो ऐसे एलिमेंट जिसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स हम अकोमोडेट कर सकते हैं उसको हम किस में रखेंगे? s ब्लॉक. एंड ऐसे एलिमेंट जिसमें हम मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स रख सकें? 6 इलेक्ट्रॉन्स, उसको हम किस में रखेंगे? ऑब्वियसली p ब्लॉक. ऐसे एलिमेंट्स जिसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 10 इलेक्ट्रॉन्स, उसको ऑब्वियसली हम किस में रखेंगे? इन d ब्लॉक. देन ऐसे एलिमेंट्स जिसमें 14 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकते हैं उसको हम अगेन किस में रखेंगे? इन f ब्लॉक. सो इस तरह से कैटेगरीज बनी गई हैं इसकी, s ब्लॉक, p ब्लॉक, d ब्लॉक एंड f ब्लॉक की. अब यहाँ बात करते हैं s ब्लॉक की कैटेगरीज की. सी, s सबशेल में हमने क्या कहा? दैट s सबशेल हैज 2 इलेक्ट्रॉन्स, राइट? एंड हमने क्या देखा कि एक ऑर्बिटल जो है इट कैन अकोमोडेट 2 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम. अगर एक ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम अकोमोडेट कर रहा है तो मिनिमम वो कितने करेगा? या तो 0 या तो 1. अगर 0 है तो दैट मीन्स कोई इलेक्ट्रॉन ही उसमें प्रेजेंट नहीं है. अब सपोज s की अगर हम बात करें, s में कितने ऑर्बिटल हैं? एक. एक ऑर्बिटल मतलब दो पॉसिबिलिटीज, या तो इसमें होगा एक इलेक्ट्रॉन या तो इसमें आ सकते हैं मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स. अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक मैंने स्पिन जो है इट इज़ एन अपवर्ड डायरेक्शन एंड दूसरा स्पिन जो मैंने बनाया ये बनाया है
डाउनवर्ड डायरेक्शन. अब इसके पीछे रीज़न क्या है, इसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे. उसमें यू कैन सी कि इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट एक ऑर्बिटल में किस तरह से है, या इसको हम अलग से डील करेंगे इन एटॉमिक स्ट्रक्चर. तो वहाँ से वो चीज़ आपको क्लियर हो जाएगा. बट अभी सिर्फ इस पे ध्यान दो कि एक ऑर्बिटल में वी हैव मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स. सो एस ब्लॉक में दो कंडीशंस बन सकती हैं, या तो उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होगा या तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे. सो अगर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है एंड मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो ऐसे एलिमेंट जिसमें लास्ट में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, वो किस में जाएगा, ग्रुप 1. इसीलिए यहाँ पे दो कैटेगरीज बनाई गई हैं इस ब्लॉक की, जिसको हम डिवाइड करते हैं ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 में. अगर एस सब शेल कैन अकोमोडेट मैक्सिमम कितने, 2 इलेक्ट्रॉन्स. एस के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है मैक्सिमम, 2 इलेक्ट्रॉन्स. तो दो ही पॉसिबिलिटीज बनेंगी उसकी, या तो एक इलेक्ट्रॉन या तो 2 इलेक्ट्रॉन. इसीलिए एस ब्लॉक में हमें दो ही ग्रुप्स देखने को मिलते हैं. उससे ज़्यादा ग्रुप्स क्यों नहीं बनते, क्योंकि दो से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट किए ही नहीं जा सकते एस सब शेल में. तो यहाँ पे दो ग्रुप्स बने हमारे पास, G1 एंड G2. अब ऐसे एलिमेंट्स जिसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, उसको हम रखेंगे G1 में. एंड ऐसे एलिमेंट्स जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो, उसको हम किस में रखेंगे, G2 में. तो ये सिंपल सा कंसेप्ट है कि क्यों एस ब्लॉक के पास दो ही ग्रुप्स हैं, राइट. यहीं पे अगर हम बात करें, सपोज यहीं पे कवर करते हैं पी ब्लॉक को भी. पी ब्लॉक के पास मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 6. अगर इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो मैक्सिमम इसके ग्रुप्स भी कितने बनेंगे, 6 ग्रुप्स. अगर हमारे पास डी ब्लॉक की बात करें, डी ब्लॉक में 10 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसमें क्या बनेंगे, 10 ग्रुप्स. एफ ब्लॉक के पास, एस सबशेल के पास 14 इलेक्ट्रॉन्स, तो एफ के ग्रुप्स भी कितने बनेंगे, 14 ग्रुप्स. एंड इसको एस ब्लॉक क्यों बोला, क्योंकि ऐसे एलिमेंट्स जिसकी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर करके देखें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद उन एलिमेंट्स का लास्ट का इलेक्ट्रॉन अगर एस सबशेल में आ रहा है, तो उसको हम रखेंगे एस ब्लॉक में. अगर लास्ट का इलेक्ट्रॉन 1 है, तो उसको हम रखेंगे ग्रुप 1 में. अगर लास्ट के 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसको हम रखेंगे ग्रुप 2 में. यहाँ पे वी कैन राइट, इफ लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन एस सबशेल, अगर लास्ट का इलेक्ट्रॉन दैट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन डूइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहाँ एंटर करे, एस सबशेल में. तो एस सबशेल में अगर वो एंटर कर रहे हैं, देन दिस एलिमेंट should be placed in S block, right? यहाँ से हमने क्या बोला कि अगर last का electron on doing electronic configuration करने के बाद valence electron, या उसी को हम बोलेंगे last electron, enter करे S subshell में, तो वहाँ से हम उसको कहाँ रखेंगे, S block में. Second point यहाँ पर जो important है, that is if S subshell has If element with one electron only. अब सेकेंड पॉइंट इस वाले से कैसे डिफरेंट है, पहले में हमने क्या लिखा कि अगर हमारा लास्ट का इलेक्ट्रॉन एंटर करे एस सबशेल में, तो वहाँ पे हम क्या रखेंगे उसको, एस ब्लॉक में. यहाँ पे अगेन हमने बोला कि दो कैटेगरीज बनेंगी, या तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 या तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2. तो यहीं पे डिविजन्स बना के देखते हैं इसको, दो केस बनेंगे यहाँ पे. सबसे पहला केस, इफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 1, तो ये एलिमेंट्स कहाँ पे एंटर करेंगे, then element are placed in group 1, right. And second इसमें हम क्या बोल सकते हैं,
if two valence electrons यहाँ पे elements are placed in group 2, right? तो इसी तरह से हमारी दो divisions बनी है इस block की, group 1 and group 2. Group 1 क्यों? क्योंकि last का जो electron था in s subshell वो एक ही है, इसीलिए उन elements को हमने रखा group 1 में. And अगर last के electrons दो है तो उसको हमने रखा किसमें? Group 2 में. तो ये थी स्टूडेंट्स बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ एस ब्लॉक, कि एस ब्लॉक क्या है, इसके दो ग्रुप्स क्यों हैं, या किस तरह से हमने इसमें एलिमेंट्स को अरेंज किया है. सो इससे आगे हम मूव करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में. सो जितना भी हमने पढ़ा, डू रिवाइज दैट, डू प्रैक्टिस दैट. सो इसके बाद हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.